डॉक्टर 80,000 अपने मेरी ज़िंदगी वापस सौंपी है। ये समझो मैं तो मौत के मुंह में चल गया, लेकिन उन्होंने लाके मेरे को यहाँ काम में खड़ा हूँ और आज उनकी बदौलत से यहाँ रोड पर खड़ा हूँ मैं। मेरा नाम जफर हुसैन है, मैं कोटा से रहने वाला हूँ और मेरे को खाने में प्रॉब्लम थी, खाना नहीं उतरता था नीचे, तो ये खाने की नली में मैं परेशानी आई थी। मैंने कोटा में जांच कराई, सीटिंग स्क्रीन की, इसी स्क्रीन में मालूम पड़ा मैं कैंसर है, और कैंसर होने के बाद मैं कोटा से सीधा बम्बई गया। बम्बई में जांच कराई, जांच में यही रिपोर्ट आई कि कैंसर है। कैंसर होने के बाद बम्बई से मैं रिटर्न कोटा वापस आया, कोटा से रिटर्न में उदयपुर आया। उदयपुर से आने के बाद मैं गीतांजलि में पहुंचा। गीतांजलि से पहुंच के डॉक्टर जाकेड़िया साहब से मिला, डॉक्टर साहब को जांच दिखाई, जांच दिखाने के बाद में उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपके ये कैंसर सेल्स है, दूरबीन द्वारा आपका ऑपरेशन होगा। इसमें हम राजी हुए, उन्होंने सक्सेस करा, अभी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब खाना भी मैं आराम से खाता हूँ, 4 टाइम खाता हूँ, लेकिन दो दो बार एक एक बार में दो दो रोटी खाता हूँ। डॉक्टर 80,000 अपने मेरी ज़िंदगी वापस सौंपी है। ये समझो मैं तो मौत के मुँह में चल गया, लेकिन उन्होंने लाके मेरे को यहाँ काम में खड़ा हूँ और आज उनकी बदौलत से यहाँ रोड पर खड़ा हूँ मैं। हॉस्पिटल सबसे बहुत गुड हॉस्पिटल लगा, इनका समझाने का तरीका, इनका बिठाने का तरीका, इनकी हर लस, इनकी हर बात में मिठास, और किसी बात में परेशान नहीं करा, किसी दिक्कत में नहीं आने, आगे से आगे होके उन्होंने हमें हेल्प कर दी हमारे लिए, और हम आज इनके सहयोग है, हम आज यहाँ खड़े हैं इनके बदौलत से। मैं एक धन्यवाद देता हूँ आशीष जाकेड़े साहब का, और बहुत बहुत शुक्रिया, और गीतांजलि हॉस्पिटल स्टाफ जो भी है सब ने सहयोग करा, सब ने मदद करी हमारी।